मैं सबसे पहले हमारे सबसे हमारे अग्रज हिमांशु तिवारी भैया को आवाज़ देता हूँ और उन्हीं के एक शेर के साथ कि हर शेर उन्हीं का एक शेर है कि दुनिया पत्थर शेर देखें कि दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो, दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो, बस्ती बस्ती आग लगी है ले लो टक्कर शेर कहो। ज़ोरदार तालियां हिमांशु तिवारी भैया के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी को, नमस्कार। बात यह है कि एक क्रम होता है किसी भी कवि सम्मेलन में, किसी भी गोष्ठी में पढ़ने का, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ी देर में पढ़ना चाहिए था, लेकिन दिक्कत यह है कि कल एक प्रोग्राम है और आप सबको सूचना देते हुए कल एक प्रोग्राम है स्वतंत्रता भवन में, महामना के जन्मवर्ष पर एक नाटक है, तो उस नाटक में मैं, मेरा काम नरेटर का है और मैं उसकी स्क्रिप्ट भी हम लोगों ने लिखी है, तो अभी वर्तमान में चूँकि स्वतंत्रता भवन में प्रोफेसर्स वगैरह और VC वगैरह आ चुके हैं तो मुझे वहाँ निकलना है तुरंत, क्योंकि वो लोग नाराज़ भी हो रहे हैं और एक कार्यक्रम भी करना है, तो दोनों का सामंजस्य बना के चलना है। कुछ मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैंग ने जहाँ से शेर सुनाया वहीं से शुरू करता हूँ कि दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो, दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो, हर बस्ती में आग लगी है ले लो टक्कर शेर कहो, हर बस्ती में आग लगी है ले लो टक्कर शेर कहो, महफिल जाम शमा परवाना सहरा दरिया वसलो हिजर, महफिल जाम शमा परवाना सहरा दरिया वसलो हिजर, महफिल जाम शमा परवाना सहरा दरिया वसलो हिजर, बेहतर कहना है तो पहले इनसे हटकर शेर कहो, बेहतर कहना है तो पहले इनसे हटकर शेर कहो। एक मैं नज़्म पढ़ता हूँ, चूँकि नज़्म मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ दूँ। हाँ, नज़्म सुने कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ क्यों दिन ब दिन बढ़ रहे उजाले, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ क्यों दिन ब दिन बढ़ रहे उजाले, अपनी नज़र में जहान वाले जहाँ को रोशन बना रहे हैं, मगर उन्हें क्या ख्याल होगा, मगर उन्हें क्या ख्याल होगा, इसी तरक्की और साइंस का यकीन मानो सब खामियाजा हमारे जैसे उठा रहे हैं, यकीन मानो सब खामियाजा हमारे जैसे उठा रहे हैं, कभी कभी जो राह चलते किसी की सूरत से मिलती सूरत, दिखे के फौरन फपक पड़े दिल, आंखें न बांध पाएँ आंसू, यहीं ज़रूरी है वो अंधेरा कि जिसमें इंसान नज़र ना आए, सिसक के रातों को काट डाले मगर ये आंसू नज़र ना आए, सिसक के रातों को काट डाले मगर ये आंसू नज़र ना आए, हमारे पहले के आशिकों ने शबान हिजरा को जश्न माना, हमारे पहले के आशिकों ने शबान हिजरा को जश्न माना, दिनों को जैसे तैसे काटा कि रात आए बहुत अंधेरी, कि गम की चादर जहाँ पे छाए, कि दुनिया हो जाए थोड़ी धुंधली और धुंधली नज़र ना आए, मगर हमारे दौर की ये बड़ी मुसीबत हम आशिकों को नहीं मैसर है अब अंधेरा, ज़रा सा पाकिज़ा पुर अंधेरा, जहाँ की झूठी कवायदों से दुनिया की मुनाफिकतों से हमारे अपने करीबियों से बचा ले कोई छिपा ले कोई, ऐ दिन सी रातें पनाह दे दे, जहाँ में जब सब कुछ मिल रहा है क्यों नहीं मैं सर ज़रा अंधेरा, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ क्यों दिन ब दिन बढ़ रहे उजाले। दरअसल कुछ ऐसा विचार नहीं था कि क्या सुनाऊँगा तो इमीडिएट, क्योंकि वहाँ से फ़ोन भी आ रहा है, तो मैं कुछ एक नज़्म और सुना देता हूँ, क्योंकि नज़्म आप लोग ठीक तरीके से सुन रहे हैं। नज़्म सुने कि अंकित भैया विशेष ध्यान दें कि सुबह तो आज भी हुई थी नफ़रतों से भरी, सुबह तो आज भी हुई थी नफ़रतों से भरी, शाम होते हुए वही रंजोखों का आलम है, पेशाओ कारोबार है सुखन किसी के लिए, पेशाओ कारोबार है सुखन किसी के लिए, मेरे लिए तो परस्तिश मेरी जान खुदा, मैं सोचता हूँ अभी आज कर दूँ तर के सुखन, मैं सोचता हूँ अभी आज कर दूँ तर के सुखन, यूँ रोज़ रोज़ भला जख्म क्यों कुरेदा करें, किसी की याद का मलबा भी कब तलक ढोएं, मगर ज़बान से निकले नहीं तो ये लावे खौफ है चीर कर सीना निकल ही जाएंगे, तेरी हालत बिन बुत के बुत कदे जैसी तो उस खाली मकान में ही क्यों रहे शायर, तो उस खाली मकान में ही क्यों रहे शायर, मेरे जहन में तो लाखों जवाब जिंदा हैं, मेरे जहन में तो लाखों जवाब जिंदा हैं, कोई सवाल मुझसे पूछ तू खुशी के लिए, मैं आज भी क्या वही नज़्म गुनगुनाता हूँ कि जिसमें भूलना और छोड़ना ही बेहतर है, जिसे साहिर ने लिखा था सिर्फ मेरे लिए, या उसका यार भी शायद रहा हो तुम जैसा, जिसे साहिर ने लिखा था सिर्फ मेरे लिए, या उसका यार भी शायद रहा हो तुम जैसा, मुद्दतों बाद ये पुरुष की ज़रूरत क्या है, मुद्दतों बाद ये पुरुष की ज़रूरत क्या है, इन्हीं आदात के बूते पे ज़िंदगी अपनी निकल पड़ी है, जो ये हाकिम है दुनिया की तरफ, इन्हीं हाकिम के लुत्फ में गया है रिख्त लहू, सो मेरे पास में स्याही की जगह है सुर्खी, सो मेरे पास में स्याही की जगह है सुर्खी, मेरा फरेब मेरे खून तक गया ही नहीं।
मेरा फरेब, बहुत शुक्रिया, मेरा फरेब मेरे खून तक गया ही नहीं। एक बहुत नया शेर है, मैं पढ़ता हूँ कि खुद से खूब झगड़ के मैंने जाना है, खुद से खूब झगड़ के मैंने जाना है, जिंदा रहना भी तो एक समझौता है। बहुत शुक्रिया। खुद से खूब झगड़ के मैंने जाना है, जिंदा रहना भी तो एक समझौता है। और तुम हो वसल को मंजिल मान के बैठे हो, तुम हो वसल को मंजिल मान के बैठे हो, वसल के बाद भी दोस्त बहुत कुछ होता है। तुम हो वसल को मंजिल मान के बैठे हो, वसल के बाद भी दोस्त बहुत कुछ होता है। एक शेर है और वो दरअसल एक ख्याल ये है कि जब हम किसी चीज़ को अपने तरीके से ढालने लगते हैं, दरअसल हम अपनी इच्छाओं के कैसे गुलाम होते जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हमारे आती तुम्हारी ज़िंदगी में इस तरीके से हैं कि वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन एक कुछ दिन बाद आप उसकी गिरफ्त में हो जाते हैं। वहाँ से शेर सुने कि फूल को साज के चट्टान बना देता है, फूल को साज के चट्टान बना देता है, आदमी जिंदगी जिंदान बना देता है। फूल को साज के चट्टान बना देता है, आदमी जिंदगी जिंदान बना देता है, और तो हर कोई बेजान बना देता है, और तो हर कोई बेजान बना देता है, इश्क इंसान को इंसान बना देता है। और तो हर कोई बेजान बना देता है, इश्क इंसान को इंसान बना देता है, और जो भी इंसान को इंसान बनाना चाहे, जो भी इंसान को इंसान बनाना चाहे, ये जहां ऐसे को भगवान बना देता है। जो भी इंसान को इंसान बनाना चाहे, ये जहां ऐसे को भगवान बना देता है। मैगजीनों में जो छपते हैं ना उनसे पूछो, मैगजीनों में जो छपते हैं ना उनसे पूछो, शौके अवार्ड भी दरबान बना देता है। मैगजीनों में जो छपते हैं ना उनसे पूछो, शौके अवार्ड भी दरबान बना देता है। और एक शायर है मेरे जहन पे कब्ज़ा करके, एक शायर है मेरे जहन पे कब्ज़ा करके, शायरी नींद के दौरान बना देता है। एक शायर है, एक शायर है मेरे जहन पे कब्ज़ा करके, शायरी नींद के दौरान बना देता है। एक शेर, एक आध शेर और सुने कि पहले दिखा के अपने सभी रंग मोजिज़ा, मोजिज़ा जो है मिरेकल के संदर्भ में है, कि पहले दिखा के अपने सभी रंग मोजिज़ा, फिर ज़िंदगी ने तय किया है मेरा दायरा। पहले देखिए ज़िंदगी के, सबके ज़िंदगी का हकीकत है, आप कुछ और सोच रहे थे बचपन से और कुछ और कर रहे हैं, तो पहले दिखा के अपने सभी रंगों मोजिज़ा, फिर ज़िंदगी ने तय किया है मेरा दायरा। हर एक शय जहान की है मेरी हम बदन, हर एक शय जहान की है मेरी हम बदन, सारे जहाँ से इश्क है, एक दो की बात क्या है। हर एक शय जहान की है मेरी हम बदन, सारे जहाँ से इश्क है, एक दो की बात क्या। और पत्थर के बीच रह रहा पत्थर सा क्यों ना हो, आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें सब पत्थर हैं। पत्थर के बीच रह रहा पत्थर सा क्यों ना हो, कुदरत से ख़त्म हो गया इंसानी वास्ता। पत्थर के बीच रह रहा पत्थर सा क्यों ना हो, कुदरत से ख़त्म हो गया इंसानी वास्ता। और दुनिया बदल रहा है छिप कर कहाँ से तू, दुनिया बदल रहा है छिप कर कहाँ से तू, ऐ वक्त तुझे नोच लूँ तो सामने तो आ। बहुत शुक्रिया। ऐ वक्त तुझे नोच लूँ तो सामने तो आ, कि दुनिया बदल रहा है छिप कर कहाँ से तू, ऐ वक्त तुझे नोच लूँ तो सामने तो आ। एक शेर, इसका आखिरी शेर ये है और ज़रूरी शेर भी है, चूँकि गज़ल की संख्या बहुत बढ़ रही है समाज में, कि बस काफिया मिला रहे हैं वो भी खामखा, बस काफिया मिला रहे हैं वो भी खामखा, जबकि गज़ल है अपने तजुर्बों का तर्जुमा, जबकि गज़ल है अपने तजुर्बों का तर्जुमा। एक शेर सुना के फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ, ये आखिरी है कि फिज़ा में तेज़ उजालों के घुप अंधेरे थे, फिज़ा में तेज़ एक चलन रहा है उर्दू शायरी में, आप जानते हैं शायरी ने ट्रेवल कहाँ से किया, अरब से निकल के ईरान और ईरान से हिंदुस्तान। बात यह है कि शायरी जिस देश काल परिस्थिति में होती है
बुदेश काल परिस्थिति उस शायरी में झलकनी चाहिए, नहीं तो आप विदेशी काव्य शैली के गुलाम रहते हैं। तो मेरी भी कोशिशें रहती है और हिंदुस्तान के तमाम एक रिवायत रही है कि हम अपनी परंपराओं की बातों को शायरी के ज़रिए व्यक्त करें, क्योंकि जब आपने सहरा ज़िंदगी में नहीं देखा, आपके दादा और बाबा ने सहरा नहीं देखा, तो आप सहरे की बात कहाँ से कर रहे हैं। बात यह है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके बिहार में बाढ़ आ जाती है और आप सहरा की बात करते हैं, तो ये उतना उचित नहीं है। बात वो करें जो आपसे रिलेटेबल हो। शेर सुने कि फिज़ा में तेज़ उजालों के घुप अंधेरे थे, फिज़ा में तेज़ उजालों के घुप अंधेरे थे, तुम्हारी जुल्फ से छनकर के रोशनी आई। फिज़ा में तेज़ उजालों के घुप अंधेरे थे, तुम्हारी जुल्फ से छनकर के रोशनी आई, मुझे भी शक्ति किसी मेघनाथ ने मारी, मुझे भी शक्ति किसी मेघनाथ ने मारी, गज़ल की शक्ल में मुझ तक संजीवनी आई। मुझे भी शक्ति किसी मेघनाथ ने मारी, गज़ल की शक्ल में मुझ तक संजीवनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 माफ़ी चाहूँगा कि मैं सुन नहीं पा रहा। ठीक, एक आध शेर में लड़कियाँ नज़्म और लोगों को बहुत पसंद है, वहाँ से सुना देता हूँ कि कब तलक कहते फिरोगे तितलियाँ हैं लड़कियाँ, कब तलक कहते फिरोगे तितलियाँ हैं लड़कियाँ, यानी जब चाहो मसल दो लड़कियाँ हैं लड़कियाँ, यानी जब चाहो मसल दो लड़कियाँ हैं लड़कियाँ। और आज तक तस्कीन लिख लफ्ज़ है जिसका मानी है पुष्टि करना, तो आज तक जिनको नहीं तस्कीन वो महफूज हैं, आज तक जिनको नहीं तस्कीन वो महफूज हैं, मर्द की बस्ती में बेघर बच्चियाँ हैं लड़कियाँ। आज तक जिनको नहीं तस्कीन वो महफूज हैं, मर्द की बस्ती में बेघर बच्चियां हैं लड़कियां। और वो पराई तो नहीं है जोड़ती परिवार है, वो पराई तो नहीं है जोड़ती परिवार है, मैं कहूँगा इस जहां की डोरियां हैं लड़कियां, मैं कहूँगा इस जहां की डोरियां हैं लड़कियां। शेर सुने के खल्क ही तूफ़ान है और फिर मुसाफिर भी यही, खल्क ही तूफ़ान है और फिर मुसाफिर भी यही, डूब करके बढ़ रही हैं कश्तियाँ हैं लड़कियाँ, डूब करके पढ़ रही हैं कश्तियाँ हैं लड़कियाँ। हर वाकई के बाद आप देखते होंगे समाज में कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना होती है, तो कहते हैं कुछ तो गलती रही होगी लड़कियों की, ऐसे एक हाथ से थाली नहीं बजती। जैसी फालतू की बातें आप सुनते होंगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें लड़की की कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी, वहाँ से एक शेर बनता है। शेर बहुत ध्यान सुने और ज़िंदगी में याद रखें, बहुत ज़रूरी है उस सिचुएशन में जवाब देने के लिए, कि जिस तरह से पेड़ कटने में खता है पेड़ की, जिस तरह से पेड़ कटने में खता है पेड़ की, उस तरह हर हादसे की खामियां हैं लड़कियां, जिस तरह से पेड़ कटने में खता है पेड़ की, उस तरह हर हादसे की खामियां हैं लड़कियां। और एक पत्थर है जमाना, एक पत्थर जिंदगी, एक पत्थर है जमाना, एक पत्थर जिंदगी, चल रही पत्थर की चक्की दरमियां हैं लड़कियां, एक पत्थर है जमाना, एक पत्थर जिंदगी, चल रही पत्थर की चक्की दरमियां हैं लड़कियां। फूल बादल झील खुशबू रंग सब इनका हुनर। काव्य में आप देखते हैं कि लड़कियों के तमाम अंगों से अलग अलग प्रतीक बनाए जाते हैं, चाहे वो बादल हो चाहे फूल हो, तो फूल बादल झील खुशबू रंग सब इनका हुनर। और खुद पे आ गई तो बर्छियाँ हैं लड़कियाँ, और खुद पे आ गई तो बर्छियाँ हैं लड़कियाँ। और शेर है कि सीखिए इनसे हुनर खुद से ही खुद को पालना, सीखिए इनसे हुनर खुद से ही खुद को पालना। आप देखते होंगे परिवार में दो तरीके की चीज़ें अभी भी हैं, लड़कियों को उतना पाला नहीं जाता, वो पल जाती हैं। तो सीखिए इनसे हुनर खुद से ही खुद को पालना, सीपियां हैं लड़कियां और मोतियां हैं लड़कियां, सीपियां हैं लड़कियां और मोतियां हैं लड़कियां। शेर आखिर पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि तब तलक इस मुल्क का बाजू बहुत कमज़ोर है, तब तलक इस मुल्क का बाजू बहुत कमज़ोर है, जब तलक सबकी नज़र में चूड़ियाँ हैं लड़कियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।